नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशान सैनी। थे देख रहे हो झुंझुनू हमारा। अभी आप झुंझुनू का मायने जो सावा कुआरी रोड है, ठीक है, आप मौजूद हाँ। रात का मायने एक घटना है, घटना कोई 11 बजे की बता रहे हैं, कोई 2:30 बजे की बता रहे हैं। ये बात की कोई अभी कंफर्मेशन को नहीं हुई है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि रात में एक कंटेनर आवे और वो कंटेनर जो है वो राजगढ़ की तरफ से आ रहे हो और वो आपने जो गणेश मंदिर है झुंझुनू का मायने बड़ी की होते वो चूना चौक से होते हो और ये रोड पर वो आयो है। और जब वो कंटेनर आयो है तो वो खाली कंटेनर को नहीं आयो, वो काफी सारी जो विपदा है वो आप साथ में लेकर आयो और वो लोगा की विपदा लेकर आयो है। वो अड़े काफी सारा जो बिजली का खंबा है वे अड़े खंबा वो तोड़ दिया है और रात की यह घटना बताई जा रही है। काफी सारा लोग भी अड़े मौजूद है, आंसर आप बातचीत करांगा और जानांगा। लेकिन सबसे मेन बात यह है कि ये अठीना से कंटेनर आवर वो पूरी जो खंबा है वो तोड़ दे और ताल का बाइन आप देखा अड़े से जो पुलिस स्टेशन है जो कोतवाली आपड़ी की जो दूरी है वो मात्र 200-300 मीटर दूरी है ताल से। फिर भी प्रशासन जो है वो एक समय पे टाइम से अलर्ट को नहीं हो पायो और बिना जो पकड़ना में बाकी नाकामी है बार ये है। अभी तक जो बंदो है जो ड्राइवर है वो अभी तक गिरफ्तारी को नहीं हुई है और आए की घटना अगर शहर में घट जावे तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह बहुत बड़ी या प्रकरण ही हो सकती, तो बहुत बड़ी या घटना घट सकती थी अगर काल नहीं सड़क पर अगर रात में कोई प्रोग्राम होते रहे तो। और इस हिसाब से अगर कोई बड़ो कंटेनर आ रहा है तो भी मायने शायद काफी जो लोग है बाढ़ की जान भी जा सकती थी, जान और माल की जो दोनों की हानि है वह भी हो सकती थी। और आप देखेंगे अभी जो काम है वो सुचारू करने के लिए अड़ा चाल रहे है, जो बिजली कर्मचारी है वे लोग अड़ा लाग रहे हैं इन्हें बराबर करने के लिए, सही सुचारू रूप से करने के लिए। और देखा कि अपना अभी भी जो ट्रैफिक जो है ये रोड पर बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि झुंझुनू की बहुत ही मेन सड़क है इसलिए ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है। तो प्रशासन ने कड़े ना कड़े इस चीज़ ने लेकर अलर्ट जो है वो होना चाहिए। तो अपने साथ काफी सारा लोग जो है बातचीत करांगा अभी बस पर मैं इन हो गेट खोल की देखियो गाड़ी तो निकल गई, मतलब यो खम्मो अंधेरा में यो लुड़ गयो। वो कौन सी गाड़ी लाके जाने बा गाड़ी को मन को अंदर गाड़ी ही है कोई छोटी गाड़ी गाड़ी है। अब आज ज्यादा हुआ ना जना वो कैमरो लाग रहे हो दुकान में, आप दिन में देख लियो। अच्छा, और पीछे भी मतलब ये कोई गाड़ी लाग रही थी, ये भी ना फॉलो करने के लिए कोई बाप मैं कौन देखी कैमरा में देख लियो। अच्छा, कैमरो है एक दुकान में और जाए बात करा जो खंबा टूटना बाद में तुरंत लाइट चल गई फिर मैं खुद आपको आती बढ़ते हुए गाड़ी की आवाज सुनी जना मैं बाहर ने निकले और गेट खोले और गेट खोल की थे मैं देख देते हो। तो अभी जाए अभी लाइट आ गई है फिर आज लाइट नहीं आई है नहीं आई है काफी कितनी बोरी बोरी दिक्कत हो सामना करना पड़ रहा है फिर हाँ सामना करना पड़ रहा है बहुत तकड़ो लेटरिंग जाने की फांसी हो गई लेटरिंग क्या जावा पानी बिना पानी को नहीं आ रही क्यों पानी को नहीं पानी मोटर चलावा जल्दी पानी आवा नहीं पानी हाथ को नहीं निमड़ गयो लेटरिंग को भी समस्या होगी के पूर का थोड़ी पुंछा। अब आप देख रहे जाए कि ना ताल से लेकर और मल्टीपर्पज तक पहली बार आए हैं कि इतारा अंधेरा है पूरी सड़क के ऊपर। हाँ, कोई भी दुकान में लाइट नहीं है नहीं है बैंक का मैं लाइट नहीं आप देखा ये रोड पर बैंक भी काफी सारा है कोन्या साहब मतलब मत हो 3:35 पर गेट खोल की देखियो लाइट जाता ही खड़े हो गयो खड़े होता ही और गेट खोले और खोलता ही देखियो नया जना मन ने पहले सुन की ट्रक की आवाज तो मैं सुन की आवाज तो अभी है जोर की एकदम जोर की आई बढ़ दे ये ट्रक की आवाज आई। तो ये ताऊ जी जो है ये चश्मदीद है भी घटना का जो अपना ना भी बता रहे हैं और लोगों ने काफी सारी चीजों को सामना करना पड़ रहा है। तो आप रोड के ऊपर एक दुकान है बने मौजूद कुछ लोग है बने से बातचीत करा रहे भाई साहब राम 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 भाई जी साहब रात में 6-7 खंबा टूट चुका है कितनी के तकलीफ हो रही है लाइट को नहीं आ रही पूरे दिन से भाई जी सुबह से आया अभी यहीं वापस जा रहे हैं कोई 1 रुपया को भी ग्राहक को नहीं है 1 रुपया ग्राहक को नहीं है जी आ रहे हैं अभी यहीं जा रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्स की भी लाइन कौन जुड़ी है कि ये बोल रहे हैं कि भाई पर्सनल कमाई न जागी तो थाना के बिल को खर्चो थारो करना पड़ेगा अब मार तो के बिल फाट गई वो कॉम्प्लेक्स की वो भी खर्चो होगा कॉम्प्लेक्स में कोई मालिक को नहीं तो बात होगी दिन भर रुपए भी कौन कमाए और जेब से भी लाग गया भाई साहब। अब ये कॉम्प्लेक्स में कल सुबह लाइन चालू करेगा जब कॉम्प्लेक्स की लाइट नहीं आओगी तो फिर वो दुकानदार ने मिलकर पैसा बेड़ा करके फिर काम करवाना पड़ेगा। घटना बारे में के बेरो है कि कितने बजे का घटना है के हिसाब की यो कौन बताओ साहब क्योंकि मैं शीत रिको का अंदर जनाब भी बड़ा सा मैं सुबह आया ना एकदम पोल वगैरह टूटे पड़े ये रात को करीबन 2:30 बजे के करीबन बता रहे हैं लोग बाग 2:30 बजे की बात बता रहे हैं। हाँ, थारी भी दुकान नहीं मार्केट के अंदर। हाँ, मार्केट में है जेबी मोदी स्कूल के सामने। हाँ, लाइट बड़े पूरी रोड पे ही होनी भाई लाइट पे नहीं साहब पूरे मार्केट में लाइट ही नहीं है। हाँ, सुबह से लाइट नहीं है। आप देखा गणेश मंदिर से लेकर बता रहे रेलवे स्टेशन तक ही खंबा तोड़ता गया कंटेनर
सब हमारे को तो इतना मल्टीपर्पज से लेके और SBI बैंक तक देखा तो खूब सारे पोल टूटे पड़े, जाली जाली बिखरा पड़ा है। हाँ। और एक भी ग्रह को आने नहीं दिया, रास्ता सारा जाम कर रखा था। बताया जा रहा है कंटेनर के अंदर जो सामान हो वो कोई अवैध सामान हो, वो शायद पुलिस से बचना के लिए ये रास्ता ना अपनाए, वो नहीं तो वो 3 नंबर रोड होगा, हाईवे भी जा सकते। ये तो साहब पुलिस बारे, ये तो पुलिस ही बता सकती है साहब, क्योंकि नाइट में हम थे नहीं तो हमारे को पता नहीं है, क्योंकि लाइट जाने से पोल कैमरे वगैरह सारे बंद हो गए, कमांड के कैमरे लगे हुए हैं, ये तो पुलिस वाले की जिम्मेदारी बनती है रात को, उनको ही पता होना चाहिए सारी बात को। मार्केट में तो हम रहते नहीं, हम तो 8 बजे चले गए थे, तो नाइट में तो हमारे को पता नहीं है। सुबह देखा तो तहस नहस हुआ पड़ा था, मीटर वगैरह सारे टूटे पड़े, लाइट के तार वगैरह अभी जुड़े नहीं है और रोड पे बिखरे पड़े हैं। पूरी जो सड़क है जाम हो चुकी है, एकदम ट्रैफिक लग चुकी है ना रात को, रात को पुलिस गश्त पे भी तो होगी। तो जड़ेया घटना हुई है वो एकदम बिच्छू शहर में हुई है, तो अड़े से शायद पुलिस स्टेशन ज्यादा दूर को नहीं, जो कोतवाली आप ताल से 1.5 किलोमीटर 100-200 मीटर इतने पड़ते हो आइयो पड़े तो इतना ही 1.5 किलोमीटर के लगभग पड़े। हाँ। लेकिन अब के है वो तो के पता चला, क्यों मैं तो रात को दुकान बढ़ाते हैं 7:30 बजे और चले जाते हैं, और सुबह में आए 8 बजे तो ये टूटे हुए थे। तो एक मैंने कि पुलिस के ऊपर भी एक सवाल उठा है कि अभी तक जो गिरफ्तारी है वह ड्राइवर की कहीं को नहीं हुई, कड़े ना कड़े शायद पुलिस नाकाम रही है ड्राइवर ने पकड़ना का गिरफ्तार करना का, मायने थाने के लगे है कि प्रशासन ने कितनों को अलर्ट रहना चाहिए। झुंझुनू शहर के अंदर आप देखा है कि घटना बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कोई कोई गाड़ी चढ़ा देवे, कदा कोई चोरी कर लेवे, कदा कोई सोना की चेन चुरा लेवे, कदा कोई खंबा तोड़ देवे, तो थे माने कमेंट बॉक्स का मायने जरूर बताओगा। स्वागत हम जय हिंद जय भारत।